देश में पहली बार पार्किंग के लिए फास्टैग की शुरुआत राजधानी दिल्ली में कर दी गई है। यानी अब राजधानी में पार्किंग के लिए कैश पैसे देने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। बता दें कि राजधानी में पार्किंग के लिए फास्टैग की शुरुआत फिलहाल कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर की गई है, जिसकी जानकारी देते हुए DMRC ने ट्वीट कर बताया कि देश में पहली बार कश्मीरी गेट रेलवे स्टेशन पर फास्टैग UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग की शुरुआत की गई है। और इस मौके पर DMRC के MD डॉक्टर मंगू सिंह और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के अफसर भी मौजूद रहे। अब आपको बताते हैं कि कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग के लिए शुरू हुई फास्टैग सर्विस कहां और कैसे काम करेगी और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। बता दें कि फास्टैग की सुविधा फिलहाल कश्मीरी गेट मेट्रो के 6 नंबर गेट पर मिलेगी, जहां 55 चार पहिया और 174 दो पहिया वाहन खड़े हो सकते हैं। यहाँ एंट्री और एग्जिट गेट पर फास्टैग लगाया गया है, जहां पार्किंग करने के दौरान अपने आप पैसे कट जाया करेंगे। तो वहीं इस फास्टैग की सुविधा की शुरुआत होने से आपको कैश पैसे देने के झंझट से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं आपके समय की भी बचत होगी। तो वहीं दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए DMRC के स्मार्ट कार्ड के जरिए एंट्री मिलेगी। तो वहीं फिलहाल पार्किंग फीस के लिए अभी आपको UPI ऐप से कोड स्कैन कर पेमेंट करना होगा, पर आने वाले समय में स्मार्ट कार्ड के जरिए ही पार्किंग के पैसे कटा करेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने बीते साल हाईवे टोल पर लगने वाली भीड़ और कैश लेन देन से बचने के लिए फास्टैग की शुरुआत की थी, जिसे अब सभी हाईवे टोल पर अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अब जिस तरह से कश्मीरी गेट मेट्रो पर पार्किंग के लिए फास्टैग की शुरुआत की गई है, उसे देखकर अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में राजधानी समेत पूरे देश में पार्किंग के लिए भी फास्टैग को शुरू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।